21 अक्टूबर को फगवाड़ा में होने जा रहे उपचुनाव के चलते कांग्रेसी उम्मीदवार बलविंदर सिंह धालीवाल के चुनाव प्रचार के लिए आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ फगवाड़ा पहुंचे और उन्होंने फगवाड़ा के विभिन्न गांवों में कांग्रेस के उम्मीदवार बलविंदर सिंह धालीवाल के लिए प्रचार किया और लोगों को कांग्रेस के उम्मीदवार बलविंदर सिंह धालीवाल को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। इस उपरांत कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ के आगमन के लिए केजी रिसोर्ट में रखी गई रैली को संबोधन करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में 10 सालों में अकाली भाजपा ने पंजाब को इस कदर दलदल में धकेल दिया कि उसका बयान भी नहीं किया जा सकता। इस उपरांत पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि विरोधी पार्टियों के नेताओं की याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है, इसलिए वो ये भी भूल चुके हैं कि पंजाब में 4 महीने पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को ही वोट डाले हैं। इस रैली के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, पूर्व कैबिनेट मंत्री जोगिंदर सिंह मान, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सोनलाल बंगा, विधायक नवतेज चीमा, ब्लॉक कांग्रेस शहरी के प्रधान संजीव बुग्गा, देहाती के दलजीत राजू, पार्षद पदम देव सुधीर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अविनाश गुप्ता बाशी, युवा कांग्रेसी नेता सौरव खुल्लर, अर्जुन सुधीर, काका नारंग, महिला कांग्रेस से सरजीवन लता, मीनाक्षी वर्मा, सविंदर निश्चल, तृप्ता शर्मा इत्यादि के साथ साथ भारी संख्या में कांग्रेसी वर्कर मौजूद थे। फगवाड़ा से हलचल टुडे के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। शायद उन्होंने याददाश्त बड़ी कमजोर है विरोधियों की, क्योंकि 4 महीने पहला पंजाब के लोगों ने कैप्टन साहब की रहनुमाई के उत्ते फिर तो मोहर लाई है, बहुत बड़ा हुंगारा दिता है। उस लोगों के हुंगारे के बेस से, लोगों का जोड़ा प्यार है वो बेस से मैं कह सकता कैप्टन साहब ने जी 4 सीटा जितने की गल की है वो लोगों के प्यार सदके है। लोगों ने पहला भी हुंगारा दिता, 4 महीने बाद फिर मोहर लागे। तो अज जिते फगवाड़े आए हैं सारे साथियों के जिन्हें वर्कर साथी अच्छे से सब ने एक गल की भी हूँ ती साढ़े इतने आपस किसी न किसी गुटबाजी करके शायद कांग्रेस पार्टी सेहरा नहीं सी बच सकी। ऐतकी सारी पार्टी एकजुट है, असी पिछलियां जड़ियां सारियां कसरां पूरी करा। अकाली भाजपा कहती है कि इस वेले क्योंकि सत्ता दे विच कांग्रेस है इस करके सरकारी मशीनरी का दुरउपयोग करेगी और इनू लैके अज सिमरजीत सिंह बैंस ने जगराऊं दे SDM की शिकायत भी जी करुणा राजू होरां नूं कर दित्ती है कि कांग्रेस के हक के हड़ पीड़ित पिंडां दे विच जाके कहिंदे कि तुहानूं ग्रांटां तां मिलणगियां जे तुसीं संदीप होरां दे हक के जिहड़े आ ओह वोट पाओगे कांग्रेसी उम्मीदवार दे हक। देखो बैंस साहब का तो मैंने पता नहीं कितने उन्होंने की गल सुनी है, पर मेरे को रिटन रिकॉर्ड है बादल साहब ने मोगा के जिमनी चोन के अंदर स्टेज पर खड़ के कई पेपर्स ने कोट किया जी, देखियो मोगे वाले जे कि अपोजिशन के लीडर ने चिताता इतों MLA बनाता तो मैं इट नहीं लगन दे। आ सोच बादल साहब की, अकालिया की है, BJP की है, कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पंजाब की भलाई वास्ते काम किया, हड़ पीड़ित चाहे वह जगराओं बैठे है चाहे कितने बैठे है सारियां नूं बिना भेदभाव के करन दी साडी नीति है। असी अकालियां तो राजनीति करना नहीं सीखे। अच्छा एक जिहड़ा करतारपुर कोरीडोर की गल चलती पी है नाल नाल 550 प्रकाश पुरब भी है और इस प्रकाश पुरब नूं लैके श्रोमणी कमेटी दे नाल कोई तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा। अज रंधावा साहब का बयान आ गया कि सानूं कमेटी दे नाल कोई दिक्कत नहीं, साडा श्रोमणी अकाली दल नाल कोई तालमेल नहीं बन रहा, वह रेड़का पा रहा। एग्जैक्टली देखो साहब मेरी हाथ जोड़ के बेनती है अकाली दल के प्रधान साहब नूं तां नहीं पर मैं बादल साहब नूं बेनती करना, बादल साहब एडा पावन त्यौहार एक पर्व आया है जी उहदे ते राजनीतिक रोटियां ना सेको, सिर्फ तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकण वास्ते इस 550 साले गुरपुरब का जिहड़ा जो आदर सत्कार मान ते भावना नाल जिहड़ा होना चाहिदा सी इन्हां ने विचाले आ जिहड़ी अकालियां ने इन्हां दी छोटी सोच है वह प्रगटावा करके लोगों का जिहड़ा इस तों मन उठता जा रहा।